Assalamu alaikum, students. Hope you all are safe and sound at your home. From the very beginning of my class, I would like to welcome all of you to Kids Foundation School Visual Learning class. You know, in this pandemic situation, we all are at our homes, but education is very important for all of us and it is a continuous process. That's why I'm here to guide you. So, open your English books, Grammar and Usage, page number 136. Unit number 19. और टॉपिक इज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस अ प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन नाउ कम टू डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोस्ट्रेट अ नाउन दिज दैट दिज दोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस विच आर यूज टू इंडिकेट अउन डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी नाउन की तरफ किसी भी इंसान की तरफ किसी चीज़ की तरफ या किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लुक एट द पिक्चर्स रीड द सेंटेंसेस दिस इज़ द बुक आई बॉट दैट इज़ टॉम माय ब्रदर दिस एंड दैट आर कॉल्ड कारिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग That is near the speaker. The plural form of these is these. That is used to point out a person or thing that is far from the speaker. The plural form of that is those. Students, there are two points to understand. These, these. Inka meaning hota ye. This is used for singular objects and this is used for plural objects. But दे बोथ आर यूज वेन द स्पीकर पॉइंट्स आउट टू एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नेर टू द स्पीकर दिस सिंगलर चीज़ों के लिए मीन्स एक चीज़ की जब बात हो रही होती है तो दिस यूज़ होता है और डिस तब यूज़ होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हम दिस यूज़ करते हैं बट दिस और दिस ये दोनों हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो हमारे नज़दीक होती है नाउ द सेकेंड थिंग इज़ देट दोज इनका मीनिंग है वो दैट इज़ यूज फॉर सिंगलर ऑब्जेक्ट्स एंड दोज इज़ यूज फॉर प्लुलर ऑब्जेक्ट्स दैट एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और दोज दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए प्लूलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है बट ये दोनों तब यूज़ होते हैं जब स्पीकर किसी ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है जो उससे दूर होती है उससे डिस्टेंस पे होती है द थिंग विच इज़ फार फ्रॉम द स्पीकर जो चीज़ स्पीकर से डिस्टेंस पे होती है फासले पे होती है दूर होती है तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट और दोज यूज़ करते हैं नाउ मूव टू पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन रीड एंड लर्न दिस इज़ माई बॉल बॉल की तरफ लड़का पॉइंट आउट करके कह रहा है दिस इज़ माय बॉल बॉल उसके हाथ में है उसके करीब है इसलिए वो दिस यूज़ कर रहा है दिस इज़ फ्रैंक माय ब्रदर दीज आर माय ब्रदर्स बुक्स बुक्स को पॉइंट आउट करके जो उसके पास पड़ी हुई है टेबल पे वो इशारा करके कह रहा है दीज आर बुक्स माय दीज़ आर माय ब्रदर्स बुक कि ये मेरी भाई की किताबें हैं दीज आर डिलीशियस बर्गर्स दैट इज़ अ ब्यूटिफुल काइट काइट बच्चे से दूर है आसमान पर उड़ैया तो वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करके देट यूज़ कर रहा है दैट इज़ अ ब्यूटिफुल काइट दिस इज़ माई स्कूल बस दैट इज़ माई स्कूल बस दोज आर माई नेबर्स हॉर्सेज हॉर्सेज दूर हैं और दो हॉर्सेज हैं तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बच्चा दोस्त यूज़ कर रहा है दोस्त आर माई Neighbor's horses. Those are big mountain.